हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमास कुकिंग डायरी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये तिल के लड्डू या तिल के चिक्की। आप इस मकर संक्रांति पर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आज के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप तिल। इनको हम पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिना किसी चीज़ के साथ। हम इन्हें ऐसे ही पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि वो हल्के से क्रिस्पी हो जाए और वो हल्के से फूल जाए। तिल को ड्राई रोस्ट करने से उनका टेस्ट और अच्छा बढ़ जाता है। तो इन्हें हमें मीडियम से लो फ्लेम पर ही ड्राई रोस्ट कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। ध्यान रखना है इन्हें हमें ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा ओवर रोस्ट कर देंगे तो तिल का जो टेस्ट है वो हल्का कड़वा हो जाएगा। तो इन्हें ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये तिल जो है मैंने रोस्ट कर लिया है, अब हम इन्हें साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच के करीब। आप यहाँ पर घी डाल सकते हैं। और यहाँ पर लेंगे हम 1 कप गुड़। जितना हमने तिल लिया था उतने क्वांटिटी में यहाँ पर हमने गुड़ ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि गुड़ जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाए। फ्लेम को आप मीडियम से हाई पर रखें और इसे कंटिन्यूसली इस तरीके से चलाते जाएं। और गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है जब तक इसके जो टुकड़े हैं वो अच्छे से पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाने चाहिए, मेल्ट हो जाने चाहिए। देखिए गुड़ के जो टुकड़े हैं सारे मेल्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे बबल्स हैं, अभी गुड़ के यहाँ पे बहुत सारे बबल्स दिख रहे हैं। तो हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक ये जो बबल्स है ये चले ना जाए। तो यहाँ देखिए जो गुड़ में जो बबल्स है वो अच्छे से चले गए। हमने इन्हें कम से कम 5 मिनट तक पका लिया था लो से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए। और अब हम यहाँ पर हमारे ड्राई रोस्ट किए हुए जो तिल है उनको डाल देंगे साथ में। और तिल और गुड़ को साथ में हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। अच्छी तरीके से हमें तिल और गुड़ को मिला लेना है। और यहाँ पर देखिए इन्हें अच्छे से मैंने मिला लिया है। तो अब बस हम जल्दी जल्दी इनके लड्डू तैयार कर लेंगे। हाथ में आप पहले हल्का सा पानी लगा लें और इस तरीके से हथेली के बीच में इस तरीके से आप लड्डू का शेप दे दें। आप चाहे तो शेप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा रख सकते हैं और इस तरीके से लड्डू का शेप दे देंगे। ध्यान रखना है ये काम आपको जल्दी जल्दी करना है। और जब ये तिल और गुड़ का जो मिक्सचर है वो थोड़ा गर्म हो तभी आप इसे करें, वरना एक बार अगर गुड़ जम जाएगी तो आप इन्हें शेप नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे तिल के लड्डू बन करके तैयार है। देखने में लग रहे हैं ना कितने टेस्टी। और ये रेसिपी भी बहुत ही आसान है। अगर आप इन्हें लड्डू के शेप में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें चिक्की के शेप में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको स्टील का प्लेट ले सकते हैं, उसके ऊपर आप घी से अच्छे से ग्रीसिंग कर लें और जो मिक्सचर है तिल और गुड़ का जो हमने बनाया था उसे आप अच्छे से फैला लें 1 ग्लास की हेल्प से। उसके नीचे आप हल्का पानी या फिर हल्का घी लगा सकते हैं और इस तरीके से अच्छे से इसे फैला लेना है। इवनली आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर दें, साइड्स को एजेस को अच्छे से शेप दे दें। इसी सेम तरीके से मैंने आपके साथ एक और रेसिपी शेयर की हुई है, मुरमुरे के चिक्की, मुरमुरे के लड्डू, या फिर ये लाई के लड्डू या लाई के चिक्की मैंने आपको बनाना सिखाया है। मैंने कुछ दिन पहले ही वो वीडियो अपलोड की है, आप चाहे तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में भी आप देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक वहाँ पर भी दिया है। जब ये मिक्सचर हल्का सा गर्म हो तभी आप इसे चाकू की हेल्प से इस तरीके से चिक्की का शेप दे दें, वरना अगर गुड़ जम जाएगा तो आप इन्हें शेप नहीं दे पाएंगे, बहुत आपको मुश्किल होगी। इसलिए जब ये गर्म हो तभी आप इन्हें शेप दे दें और ठंडा हो जाने के बाद आप इन्हें निकाल सकते हैं। तो वो क्लिप यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, ये ठंडा होने के बाद जो मैंने उसे निकाला था। तो ठंडा हो जाने के बाद आप इन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। और यहाँ हमारे तिल गुड़ के जो चिक्की है वो भी बन करके तैयार है। इन्हें आप अपने पसंद के अनुसार चिक्की के शेप में बना सकते हैं या फिर आप लड्डू के शेप में बना सकते हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो क्यों था ना झटपट बनने वाला मकर संक्रांति के लिए स्पेशल तिल गुड़ की रेसिपी। तो अगर आपको ये हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को इस मकर संक्रांति पर ज़रूर शेयर करें। और भी ऐसे ईजी और बिगिनर फ्रेंडली रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल हेमास कुकिंग डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।